हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आजकल बचपन का बात बहुत मिस करती हूँ। बचपन में वो बहुत आलसी थी। मॉर्निंग में उठने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। मम्मी बार बार उठा देती काम 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 पर फिर मैं सो जाती थी। खास करके ठंडी के टाइम तो काम बिल्कुल भी नहीं है। सब बहुत ही काम करता था बट मम्मी कभी भी गुस्सा नहीं होते। काम नहीं करूँगी कितना बहाना दिखाती थी। नहीं करूँगी स्कूल ने, फिर भी मम्मी ने, ऐसा लगता था कोई ना कोई बहाना दूंगी तो मम्मी कर लेगी काम, मैं नहीं करूँगी। वैसे काम ज़्यादा नहीं करती थी, सब मम्मी ही करती थी। बस आज इसलिए बात बोली क्योंकि आज मैं खुद माँ बनी हूँ। तो माँ कितनी सक्रिफाइस करता है, माँ का दिल कितना बड़ा है, वो माँ बनने के बाद ही मालूम पड़ा गाइस। क्योंकि माँ शब्द बहुत छोटा है बट उसका जो माँ शब्द का जो मीनिंग है वो शायद दुनिया में कोई भी इंसान अब तक नहीं कर पाया, जो माँ का शब्द का आंसर ढूंढने के लिए। आज मैं खुद माँ बनी हूँ तो माँ बनने के बाद ही एहसास होती है जो मेरी माँ कितनी मतलब मेहनत की होगी, कितनी सब कुछ मतलब सक्रिफाइस की होगी। आज एग्जाम्पल है, आज मैं खुद देखती हूँ मेरे बेटे को चोट तो नहीं लगा, बेटे को क्या चाहिए। एक बार सिर्फ अभी तक मेरा बेटा माँ बोलना सीखा नहीं, मतलब माँ बोलती है मतलब कुछ मांगना सीखा नहीं, फिर भी ऐसे लगता है मेरा बेटा क्या मांगेगा और मैं क्या दूँ भाग भाग के। खुद के पास अगर कुछ रहे या ना रहे पूरी कोशिश करती हूँ बेटे को कुछ देने के लिए। और जब छोटी थी तब तो हम लोग भाई बहन बहुत ज़्यादा ही थी, तो माँ ने कितना मेहनत करके किया है सब कुछ। तो माँ जो चीज़ है ना गाइस, बहुत मतलब बड़ी चीज़ है। माँ का प्यार करने से तो अल्लाह ने बेस्त दे ही दिया। आज माँ बनने के बाद सब कुछ एक एक करके याद आ रही है, और पूरा जो बचपन का एक एक चीज़, माँ के साथ में क्या किया, माँ ने किस लिए डांटता था, जो चीज़ अगर चाहिए क्या, अगर बाहर से लेके नहीं दे पाया तो खुद बनाने की कोशिश करके देता था, मतलब एक एक चीज़। आज माँ बनने के बाद ही सब कुछ एक एक पल पल की याद आती है। तो गैस किसकी माँ कैसे है कमेंट करके बताना। एंड अब्बा का बात क्या बोलो गैस, अब्बा तो बाप का बिना जैसे दुनिया एकदम अधूरा ही लगता है। सो बाप का तो प्यार मिला ही नहीं, बाप का और माँ का दोनों का ही प्यार माँ ने अकेले नहीं दिया है। तो इसके लिए आज पता नहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसके लिए आप लोग के साथ में ये बात शेयर कर रही थी। सो माँ बाप बाप का जैसे दुनिया अधूरा है, माँ का बिना भी है। एक माँ ने बच्चों को कैसे पालता है क्या नहीं है। कल मेरा बेटा रात को गिर के है ना बहुत ज़्यादा खून निकला है, तो मुझे, मैं अकेली थी, मेरा हस्बैंड तो बाहर रहे थे, आप लोग को बताया आई थिंक, तो इतने बुरे लग रहे थे ना, मैं क्या करूँ कैसे हैंडल करूँ, मतलब आप लोग को मतलब बातों से मैं नहीं समझ पाऊँगी कैसे लग रहा था मुझे उस टाइम। तो एक साथ में ज़्यादा बच्चों पालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड मतलब मतलब कोई शब्द नहीं मिल रहे मैं क्या बोलूँ क्या नहीं है। तो बातों बातों से आप लोग को तो बहुत सारा लेक्चर मार दी मैं। ये मेरे फीलिंग्स की बात बोली गाइस, आप लोग का माँ कैसा है, अब्बा कैसा है कमेंट पे बताना। सो देखिए बातों बातों से आज मेरा खाने पीने का तो आधा ही हो गया है। तुराई का सब्जी बना रही थी एंड आज एक बहुत ही अच्छा भरता बनाऊंगी तुराई का, सिल्का का। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रेसिपी दे दूंगी, इसमें उतना नहीं दिखा पाई, बहुत बड़ा हो जाएगा। आज मूड बहुत ऑफ था क्योंकि जब छोटी थी बहुत फैमिली के अंदर ही बड़ी होके है ना, ऐसे लगता था स्कूल में नहीं जाओ कब, मैं बचपन से अकेले रहने का बहुत शौक था, मतलब ऐसे होता ना आलसी जो रहती है आलसी का क्या। तो आज मैं देखिए शादी हो गई, शादी होने के बाद ही बेटे के साथ में अकेले ही रहती हूँ, तो कल रात को बहुत ज़्यादा एहसास हुआ फैमिली तो चाहिए ना है, सास ना है, मतलब बहुत ही लगता है फैमिली बहुत ज़रूरी है गाइस, कोई कोई बोलता है ना, बट हाँ मुझे फैमिली पसंद है, सब कुछ पसंद है। आज हस्बैंड काम के लिए बाहर रहता है, फैमिली एक देश में है, मैं एक जगह पे हूँ, तो जब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना गाइस, कोई नहीं आता है साइड में, एक फैमिली ही आता है। फैमिली का बिना कुछ भी नहीं होता है। तो फैमिली जिसका है उसका कदर कीजिए। हाँ अगर गलती करोगे तो फैमिली आपको डांटेगा, समझाएगा, सब कुछ करेगा, और क्योंकि फैमिली चाहता है उसका अच्छा के लिए।
मैं बचपन से जो भी देखा है मेरा फैमिली अच्छा के लिए ही किया। आज देखिए हम लोग जितने भी भाई बहन हैं सब अल्लाह का रहमत से सब अच्छी हो, जैसे भी हो बहुत अच्छी हो। जो मेरा मानना है फैमिली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फैमिली का बिना कुछ नहीं होता है। सब सिर्फ कभी कभी लोग कुछ बोल देता है फैमिली ऐसे वैसे, बट लास्ट में वही लोग भाग जाता है, फैमिली लास्ट में यहाँ जाता है। भाई बहन बोले हाँ एक फैमिली में ज़्यादा लोग रहेगा ना तो इधर उधर होगा ही, बट कुछ भी हो जाए भाई बहन और खास करके अब्बम माँ ये लोग तो जब बच्चों अगर बीमार पड़ता है कुछ पड़ता है ना कोई नहीं देखता है, माँ बाप नहीं देखता है। बस देखिए मेरा बेटा, मैं इधर रेसिपी बना रही थी और मेरा बेटा पीछे से देख रहा था मैं क्या कर रही थी क्या नहीं है। सो गाइस वीडियो कैसे लग रहे आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताना कैसे लगा। और 100% कमेंट में हर किसी का माँ बाप का लेके है ना, किसका माँ कैसे क्या नहीं है। मैं तो कम बहुत कम कम लाकी कम हूँ, मैं मेरा माँ बाप का है। और कम देखिए कम आज मैं खुद कम माँ बाबा बन कम गई, कम मेरा बेटा चलना भी सीख रहा है, कम एंड कम कम मेरा यार बेटा कम मम्मा यार भी कम यार बोलता है, अब्बा भी बोलता है। एंड मेरा सो गाइस आज के लिए इतना ही, और एक वीडियो लेके आ जाऊंगी अजमुर आप लोग का अजमुर बीच में। कैसे यस लगा वीडियो कमेंट करके यस बताना, एंड दुआ कीजिए मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए भी दुआ कीजिए। 100% मेरा बेटे, मेरा हस्बैंड के लिए, सब के लिए। अल्लाह हाफिज गाइस।